आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय कलेक्ट्री कचहरी आजमगढ़ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 66वें परिनिर्वाण दिवस उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में बताया कि बाबा साहब 32 डिग्रियों और 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया और विज्ञान और तकनीक के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि बाबा साहब का सरनेम सकपाल था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इनका जन्म महार जाति में हुआ था। उस वक्त देश में अनेक प्रकार का अंधविश्वास छुआछूत था, जिसके कारण अनेकों कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ा। बाबा साहब से कृष्णा महादेव अंबेडकर नामक एक ब्राह्मण शिक्षक को विशेष स्नेह था। इस नाते बाबा साहब ने अपने सरनेम को हटाकर उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। देश की आजादी के बाद संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनाकर तैयार हुआ और देश के प्रथम कानून मंत्री बन गरीब वंचित शोषित व महिलाओं के साथ सभी वर्गों के लिए समानता की दृष्टि के लिए एक मत का अधिकार दिलाया और अनेक योजनाओं का सृजन किया, जिससे मानव जीवन का कल्याण हो। इसी क्रम में श्री शिल्पकार ने कहा कि इनके पाठ पर चले अनेकों नेतागण ने गरीब वंचित शोषित वर्गों के लिए तत्पर होकर समाज हित में कार्य किया, जैसे रामविलास पासवान, मानव कांसी राम साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर आदि अनेकों नेतागणों ने बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब हम लोगों को आज इस बात का संकल्प लेना है कि बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे और साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम को सदैव आगे बढ़ाने का कार्य करती रहे। हम लोग सदा बाबा साहब के रेडी रहेंगे। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को ये महामानव हम लोगों को अलविदा कहकर सामाजिक समरसता का दायित्व देकर इस दुनिया से चले गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंद्रजीत राम व संचालन कैलाश प्रसाद गौर ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित भरतलाल मदेसिया, बेदीलाल वर्मा, ज्ञानचंद चौहान, सरजीत भारती, ध्रुवचंद शिल्पकार, रामप्यारे यादव, रामशरण राम, रामलगन विश्वकर्मा, बरखू बनवासी, श्रीमती कमली देवी, उषा देवी, श्रीमती देवी, रीमा देवी, रीतम राजभर, कौशल्या राजभर समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। मेरा नाम श्री मोहन शिल्पकार है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम आज है? आज देश के महामानव बौद्ध सत्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का 65वां परिनिर्वाण दिवस लोक जपा पार्टी कार्यालय पर मनाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन काल की चर्चा की गई है। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का आज हमारे साथी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो भी युवा साथी हैं आज हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने उसका संकल्प लिया है कि बाबा साहब का मिशन को हम लोग करेंगे पूरा। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ भी सदा स्मरण बाबा साहब की करती रहेगी, क्योंकि हमारे आने वाले वंशज भी इनके ऋणी होंगे। आज एक मत का अधिकार जो उन्होंने दिया वो समाज में हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बदौलत हम लोग यहाँ का राजा का चयन करते हैं। रानी का पेड़ से नहीं, राजा के पेड़ से, राजा की बदौलत नहीं, इस बलेट बैग्स और ईवीएम मशीन से हम लोग राजा चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है, जिससे आज बहुत से अपने देश में उस महानायक के बाद अनेक नायक पैदा हुए, जैसे रामविलास पासवान भी पैदा हुए, देश में वंचित शोषित वर्ग के लिए कुछ करने का हौसला उन्हें दिखाया, जैसे कांसी राम साहब पैदा हुए, अन्य नेतागणमान पैदा हुए जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किए। मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ जो समाज के लिए दुख करने का काम किया। हम जैसे लोगों को आज बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, अपने अधिकार को प्राप्त करने का अवसर मिला है, जो बाबा साहब की देन है। हर साल हम लोग इनकी परिनिर्वाण दिवस और जयंती मनाते हैं, आगे भी मनाएंगे और इनकी बताई नीतियों पर चलकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।